Hello and welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. This is not Amadeus session. ये वाला जो session है ये आपका global indicators का है. We have done 6 global indicators. ये सातवा है. इसके बाद तीन और आएंगे. ये वाला जो global indicator है ये South Atlantic बड़ा important है और बड़ा ही simple है basically. Comparative to जो आगे के तीन आने वाले हैं वो तीनों मुझे आपको समझाना ही मेरे लिए एक task है. Because that is something which confuses people a lot. तो वो ग्लोबल इंडिकेटर होगा ट्रांस साइबेरिया रशियन यूनियन फार ईस्ट TSRUFE. वो समझाना इज अ डिस्टिंक्ट क्योंकि माय पर्पस इज अगर आप वीडियो देखो तो उसके बाद आपको वो समझ आ जाना चाहिए और इंटरव्यूज में आप आराम से इसका आंसर कर पाओ. नाउ साउथ अटलांटिक जो ग्लोबल इंडिकेटर है ये एज द नेम गोज साउथ अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता है. अब इसको अगर मैं आपको ज्योग्राफिकल तरीके से बताऊं तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बड़ा आसान सा है. लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहाँ पर ना इस जब आप साउथ अटलांटिक वाला करते हो तो साउथ अटलांटिक जो है वो साउथ अटलांटिक से शुरू होता है. मतलब कि अगर आपको याद है तो जो TC एरिया 1 है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. TC 1 में एक आपका नॉर्थ अटलांटिक है, मिड अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक है. एक तरीका ये बोलने का है. दूसरा तरीका ये बोलने का है कि नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सदर्न अमेरिका. अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसके लिए आप वीडियोस देखो बिल्कुल जो हमने पहले करी हैं. ग्लोबल इंडिकेटर शुरू होने से बिल्कुल पहले एक वीडियो करी थी ताकि आपको एक वर्ल्ड मैप सारा का सारा समझाया जाए. या फिर आप ज्योग्राफिकल जो TC एरिया 1, 2, 3 वाली वीडियो है वो देख सकते हो. पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जो है इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो सो दैट यू नो वी गेट मोटिवेटेड एंड वी क्रिएट मोर कॉन्टेंट विद दैट. नाउ इफ यू सी हेयर, यहां पर जो नीचे अगर साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो ये पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है जो नॉर्मल ज्योग्राफिकल कॉन्टिनेंट होता है. लेकिन अगर मैं साउथ अमेरिका की बात नहीं करता, साउथ अटलांटिक की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ ABCPU सिर्फ 5 कंट्रीज आती हैं. अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, उरुग्वे, पैराग्वे, ये 5 कंट्रीज हैं. वो सारी पांचों कंट्रीज आपको नीचे की तरफ यहां पर मिल जाएंगी. अब यहां पर सवाल ये है कि यहां से तो चलो फ्लाइट शुरू हो गई, कहां जा रही है? वो फ्लाइट जा रही है टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया और उसके आसपास जा रही है. क्योंकि देखो साउथ अटलांटिक ओशन ये रहा, यहां से होकर के जाएगी फ्लाइट. सो इफ यू सी द फ्लाइट गोज टू SASC या फिर SEA. अब ये मैंने क्या बोल दिया, इसको देखने के लिए हम यहां पर आते हैं. देखो फ्लाइट गोज टू स्टार्ट फ्रॉम ABCPU या उल्टा भी हो सकता है कि वहां से शुरू और यहां आए. साउथ अटलांटिक से शुरू हुई है ABCPU से और साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया अगर मैं आपको बताऊं मतलब खत्म होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया पे या साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट पे. पहले तो मैं आपको समझाता हूं साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट क्या है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो मैं आपको बता रहा हूं तो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना हमारा वो है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी 7-8 कंट्रीज जो है हमारी आसपास की, ये कंट्रीज हैं साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट. और साउथ ईस्ट एशिया जो है ना आप देखोगे टीसी एरिया 3 जो है वो तीन पार्ट्स, चार पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो साउथ एशियन सबकॉन्टिनेंट अपना इंडिया और इसके आसपास की जगहें, एक हो गया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला और जापान मिलाकर के, इसको जैप कॉर बोलते हैं. ऐसा था किसी का नाम है पंजाब में जैप कॉर. और यहां पर आप देखोगे दिस इज ऑस्ट्रेलिया और नीचे की तरफ आपके पास है न्यूजीलैंड. सो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, जो नीचे वाला पार्ट है ना ये है साउथ वेस्ट पैसिफिक, ये तीसरा पार्ट है. और चौथा जो पार्ट है वो है दिस पार्ट रशिया. देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट की तरफ है योर दिस थिंग यूरोप वाला पार्ट, यूरल माउंटेन है. यूरल माउंटेन के लेफ्ट के अंदर आपका आता है जो यू नो टीसी एरिया 2 में यूरोप के अंदर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर है. और ईस्टर्न पार्ट में मतलब जो रशिया है यहाँ पर आता है जो बाकी का रशिया, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बट देन दिस कम्स इन यूरल माउंटेन के राइट साइड पे, ये आता है आपका साउथ ईस्ट एशिया में. यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया शुरू होता है और यहाँ से होते हुए नीचे मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब चाइना, ये चाइना से होते हुए निकल के नीचे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये सब साउथ ईस्ट एशिया है, फिलीपींस एंड ऑल. सो यहाँ और इसके बीच में मतलब कि आपका जो साउथ अटलांटिक है और साउथ ईस्ट एशिया इसके बीच की जो फ्लाइट है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बेसिकली दिस राउटिंग इज साउथ अटलांटिक. क्योंकि फ्लाइट जो है वो नीचे से होके जाती है लेकिन इसमें कैच क्या है कि वो फ्लाइट जो है वो साउथ मतलब सदर्न अफ्रीका
से होकर के जा सकती है या इंडियन ओशन आइलैंड से होकर के जा सकती है. लेट मी शो यू दिस हियर. या ये फ्लाइट जो है, ये फ्लाइट आप देख पाओगे कि दिस फ्लाइट कैन गो वाया सेंट्रल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका या इंडियन ओशन आइलैंड्स. इन जगहों से होकर के ये फ्लाइट जा सकती है. आप समझते हैं सदर्न अफ्रीका क्या है, सेंट्रल अफ्रीका क्या है, इंडियन ओशन आइलैंड्स क्या है. तो ये जो पार्ट है आपके सामने इस वक्त, ये है सदर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका ये रहा बीच में, और इंडियन ओशन आइलैंड्स आपको इस छोटे छोटे आइलैंड्स, ये मेडागास्कर अगर दिख रहा है आपको तो मेडागास्कर के आगे मॉरिशियस वगैरह काफ़ी सारे आइलैंड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू दिस थ्रू द डॉक्यूमेंट. या अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखोगे, ये आईटा का डॉक्यूमेंट मैं ग्रुप में डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें आप जाकर के, ट्रैवल अकेडमी का चैनल है, आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन इट एंड सी दिस डॉक्यूमेंट. ये जो है, ये इसके अंदर आप देखोगे अफ्रीका में जो सदर्न अफ्रीका है, सदर्न अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज है, बोत्सवाना, लिसोटो, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया और स्वाजीलैंड. ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये स्वाजीलैंड है, ध्यान रखना. फिर है सेंट्रल अफ्रीका, उसके अंदर आपके पास आ रहा है मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सेंट्रल में आएगा. और जो इंडियन ओशन आइलैंड्स हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कॉमरूस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, मेयोट, एंड देन यू हैव रीयूनियन और सेशल्स. ये सब आते हैं हमारे इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर ये सारे के सारे आपको जो है कंट्रीज मिलेंगी. तो वो जो फ्लाइट है आपकी, वो वहाँ पर एक स्टॉप ले सकती है. यू कैन टेक अ स्टॉप ओवर देयर अगर आप चाहो तो. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ जर्नी इस तरीके से बन रही है कि आपकी फ्लाइट ए बी सी पी यूज कंट्री से निकल रही है, यहाँ पर एक स्टॉप लेकर के, और वो या तो इंडिया और उसके आसपास की कंट्री, मतलब साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में जा रही है, या फिर वो साउथ ईस्ट एशिया में जा रही है. फॉर एग्जाम्पल हमारी फ्लाइट जो है वो अर्जेंटीना के बोइनोस एरस से निकली, बोइनोस एरस से वो गई जोहानसबर्ग इन साउथ अफ्रीका. कहाँ गया था, जोहानसबर्ग, ये रहा, जोहानसबर्ग में जा रही है, और जोहानसबर्ग से वो फ्लाइट उड़ करके जा रही है फाइनली टू न्यू दिल्ली. सो हियर वी हैव न्यू दिल्ली, यहाँ पर आ रही है. तो आप देखोगे जो रास्ता है वो क्या बन रहा है, वो सदर्न पार्ट को यूज़ कर रहा है ये राउटिंग, और साउथ अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रहा है. अब यहाँ आते, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट मी टेक यू टू दिस. Yeah, look at this. The flight goes from Rio de Janeiro, which is in Brazil, to Johannesburg, which is in South Africa, to Seychelles, and Seychelles se ja rahi hai ye Singapore. To ye jo beech mein ruk rahi hai, ye basically west, ya to Indian Ocean Island hai ya Southern Africa hai, aur fir Singapore ja rahi hai. Singapore Southeast Asia hai. BSB is Brasilia. Brasilia se Sao Paulo, ye dono South Atlantic mein hai. Yahan se Harare, Harare is in Zimbabwe. और जिम्बाब्वे से दिल्ली जा रही है फ्लाइट. फिर उसके बाद बैंकॉक से फ्लाइट, मतलब बैंकॉक अगर आप देखोगे थाईलैंड में है साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ से बॉम्बे जा रही है, बॉम्बे से मॉरिशियस जा रही है, मॉरिशियस से बुएनोस एयरस जा रही है. मतलब इन शॉर्ट आपकी फ्लाइट जो है ये नीचे वाले रास्ते लेकर के ही ट्रैवल करेगी आपको जब भी इसको ट्रैवल कराना है. एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज साउथ अटलांटिक ग्लोबल इंडिकेटर. इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है. और इस तरीके से अगर कोई भी फ्लाइट जाती, अब इसकी राउटिंग अगर पूछी गई तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी एयरलाइंस है. जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो बुएनोस एयरस जो कि अर्जेंटीना में है, यहाँ से फ्लाइट आप ले रहे हो और साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में फ्लाइट जा रही है, तो एयरलाइन कौन सी है, मे बी साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस ले सकते हो आप. उसके बाद या फिर यहाँ की कोई जो लैटम है या फिर कोई भी एयरलाइन जो आपको मिलती है साउथ अफ्रीका में जो जा रही है, यहाँ से जो साउथ अमेरिका में मिल रही है वहाँ से वो ले सकते हो. और फिर साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग से अगर सिंगापुर जा रही है तो सिंगापुर एयरलाइंस ले लो, या फिर साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस क्या पता वहाँ जाती हो. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस कंट्री में वो फ्लाइट जा रही है या तो उस कंट्री की कोई एयरलाइन आप बोलो या जिस कंट्री से आ रही है उस कंट्री की एयरलाइन बोलो. फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लाइट है, मैं बोल रहा हूँ भाई दिल्ली से सिंगापुर फ्लाइट जा रही है और नॉन स्टॉप है, तो देखो नॉन स्टॉप फ्लाइट या तो दिल्ली मतलब इंडिया की होगी एयर इंडिया या विस्तारा, या सिंगापुर की होगी सिंगापुर एयरलाइंस. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अमेरिकन एयरलाइंस जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये दिल्ली और सिंगापुर के बीच में नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ा रही है. हो सकता है कोड शेयर हो, मतलब हो सकता है आप बोलो कि भाई कोड शेयर एक एक्सेप्शन है, बट उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे अभी. हम बात कर रहे हैं कि दो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के बीच में जो फ्लाइट उड़ेगी वो ईदर ऑफ द कंट्री की हो सकती है, या ए की या बी की, इस तरीके से चलता है.
सो ये था साउथ अटलांटिक। अगर आपको ये समझ आया प्लीज़ कमेंट में बताओ, और आपको कुछ एक्सरसाइज जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, यू कैन डू दैट। एंड अगेन इफ यू लाइक दिस यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद पीपल। और मैं आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3 और ग्लोबल इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप प्लीज़ यहाँ पर कमेंट बता दो, ताकि आई वुड अंडरस्टैंड कि कौन सा वाला पार्ट है जो मैं नहीं समझा पा रहा, और उसको हम बेटर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोर्स करना है तो आपके सामने नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड डू द कोर्स। वी हैव ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ अवेलेबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।